अरे यार क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? आइडिया, चल बिहान से पूछता हूँ। तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा था। और बता स्कूल में क्या हुआ? वो मैं तुझे बताने आया हूँ। तेरी नोटबुक कंप्लीट है? इसी के लिए मैं आज स्कूल नहीं आया। टीचर ने कहा कि जिन बच्चों का नोटबुक चेक नहीं हुई है वो कल होगी। अरे कोई नहीं, मैं कल फिर से छुट्टी मार लूंगी। अरे हाँ यार, तेरी मम्मी तो कुछ नहीं बोलती। मेरी मम्मी को छुट्टी का नाम ले लो तो पिटाई करती है। चल यार मैं चलता हूँ, मेरी तो स्कूल है, तेरे लिए तो छुट्टी है। बाय। ओके। चल यार अभी मैं भी चलता, एक दिन की छुट्टी और सही। अब भाविश का क्या होगा? उसकी तो नोट्स इनकम्प्लीट है। अरे तू आ गया? हाँ। आज क्या टीचर ने बोला? तेरी तो वाट लग गई है। कैसे? चूंकि टीचर ने बोला जिनकी नोटबुक आज नहीं चेक हुई है वो कल होगी। अरे यार टीचर तो एक एक दिन में होमवर्क चेक कर रही है, अभी मैं क्या करूं? एक दिन और छुट्टी सही? तू सही में पागल है। स्कूल का टाइम हो गया लेकिन अभी तक भावेश उठा नहीं है। भावेश उठो जल्दी। भावेश उठो, चलो उठो जल्दी। भावेश कभी नहीं, पर हमें ये लड़का नहीं उठता। भावेश स्कूल नहीं जाना, उठो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो ठीक है, टेक रेस्ट। भावेश तू कभी एक बार में उठ जाया कर। भावेश अभी मेरा सर और पेट दर्द हो रहा है। भाविश रोज रोज ये नाटक नहीं चलेंगे, चलो खड़े हो, चलो। सच में मेरा पेट और सर दर्द हो रहा है। कोई नहीं बेटा, आप तुमको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगी ना, वहां से इंजेक्शन लगवा के लाऊंगी, फिर देखती हूँ तेरा पेट दर्द। क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो फिर? भावेश क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्योंकि आज टीचर ने मेरे स्कूल में बहुत सारी पिटाई की। क्यों? क्योंकि मैं 4-5 दिन छुट्टी लगा था। बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। किसने बोला था आपको छुट्टी मारने के लिए? अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते ना और झूठ ना बोलते, स्कूल जाते, टाइम से अपना होमवर्क करते तो आज आपको मार ना पड़ती। आप सही कह रहे हो। प्रॉमिस करो आगे से ऐसा नहीं करोगे। पक्का? हाँ। अपना काम टाइम से करोगे? हाँ। चलो ठीक है, अभी रोना बंद करो।
और यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ।